खबर देवरिया जनपद से है, जहां जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज रुद्रपुर के परसा जंगल स्थित केंद्र में धान क्रय का शुभारंभ किया। उक्त धान क्रय केंद्र पर खरीद वर्ष 2023-24 के अंतर्गत धान बिक्री हेतु आए प्रथम किसान कोयलगढ़ा निवासी उमाशंकर मल्ल का स्वागत जिलाधिकारी ने माला पहनाकर किया। जिलाधिकारी ने तौल प्रारंभ होने से पहले पूरे विधि विधान से पूजा भी की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में धान की कटाई शुरू हो चुकी है। जनपद में 1.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए 136 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष सामान्य प्रजाति के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपए निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका नंबर 9454887185 है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1800180150 पर संपर्क किसान धान क्रय से जुड़ी किसी भी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने किसानों से संवाद कर क्रय केंद्र पर मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने केंद्र पर क्रय संबंधी समस्त अभिलेख टोकन रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुलभ आनंद, क्रय केंद्र प्रभारी मार्केटिंग इंस्पेक्टर अशोक कुमार सहित विभिन्न लोग उपस्थित थे। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। किसान कौन है सर? जी कोई दराज किसान आप हैं? क्या नाम है आपका? उमाशंकर जी से जलवाओ। हाँ, जलवाइए। जलवा था रुकी है जनपद में, बढ़िया रहे। उमाशंकर जी से जलवाइए, ठीक है ना? सभी का स्वागत। लाओ दे माला, स्वागत कर। सामने छठ जाइए। आइए उमाशंकर जी, सामने छठ जाइए। आपसे हो रही है बधाई हो आपको, ठीक है? ठीक सर, करिए। अब अगरबत्ती कहाँ पर? काटिप लगा दिया गया, अगरबत्ती जलाओ, डिप्टी साहब जला दीजिए। नहीं नहीं, आप जलाइए। हाँ हाँ, जलाइए। इनका 12 तारीख को कट गया था। जनपद में धान खरीद की शुरुआत हुई, औपचारिक शुरुआत। जनपद देवरिया को इस बार जो धान खरीद का लक्ष्य मिला है वो लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन का मिला है, जिसकी आज शुरुआत हम लोगों ने रुद्रपुर के जो है उसरा बाजार क्रय केंद्र से शुरू किया है। इस बार धान का जो समर्थित मूल्य घोषित किया गया है सरकार द्वारा वो 2183 रुपये है। और उमाशंकर जी जो है कोयलगढ़ा के हैं, ये प्रथम किसान हैं जिनका धान आज तौल हो रही है। तो देखा जाए तो आज औपचारिक रूप से जनपद देवरिया में धान की क्रय की शुरुआत हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनपद अपना जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करेगा।